आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र का या मुंबई का एक बहुत ही फेमस डिश पाव भाजी। पाव भाजी टेस्टी तो है ही और इसमें बहुत सारे सब्जियां यूज होती है, तो ये एक तरह से हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। उसके लिए हमें सब्जियां चाहिए। सब्जियां में दो पोटैटो ले लिए हमने, उसे बड़ा बड़ा पीस में काट लिए। एक कप हमने बंद गोभी ले लिए, कैबेज हाफ कप, कॉलीफ्लावर हाफ कप, बीन्स हाफ कप, गाजर हाफ कप पीस एंड थोड़ा सा बीटरूट, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे हमने यूज किया है सिर्फ इसके एक बढ़िया सा कलर आता है इसलिए, आप ये हेल्दी भी होता है। तो सबसे पहले ये सारे सब्जी को हम कुकर में चढ़ा के दो सीटी देके इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए हमने सारे सब्जी को बॉईल कर लिए हैं। साथ में लिए एक मीडियम साइज ऑनियन, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। 3 मीडियम साइज टमाटर, उसे भी पीस कर लिए। 5-6 गार्लिक, ये आप स्किप कर सकते हैं, इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इसे भी काट लिए। और कद्दूकस करा हुआ या ग्रेट करा हुआ 1 टीस्पून जिंजर और थोड़ा सा धनिया पत्ती। और सबसे जरूरी जो चीज है, पाव भाजी मसाला, ये किसी भी शॉप में मिल जाती है, तो ये हमें पाव भाजी बनाने के लिए लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में दे देंगे 1 टीस्पून ऑयल और 1 बटर का क्यूब। आप चाहे तो बटर को स्किप कर सकते हैं, आप और 1 टीस्पून ऑयल इस जगह पे दे सकते हैं। साथ ही में हम दे देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हाफ टीस्पून जीरा। इसी में हम डालेंगे जो ऑनियन, 1 मीडियम साइज का ऑनियन जो हम पीस करके रखे थे, वो अब इस ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑनियन हमारा फ्राई हो चुका है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब इसी में हम दे देंगे 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर ग्रेट करा हुआ, इसे भी और हाफ मिनट या 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें दे देंगे 3 मीडियम साइज टमाटर पीस करा हुआ और इसे भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई। देखिए टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होके मैश हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, इसे और 1 मिनट हम फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे वो जो बॉइल्ड सब्जियां, वो सारे इसमें डाल देंगे और इसे मैश करते हुए इसको चलाते रहेंगे। अगर अब आपको भाजी बिल्कुल मुलायम चाहिए तो सब्जियों को पूरा मैश कर देना है। अगर आपको पूरा स्मूथ भाजी नहीं चाहिए तो उसी हिसाब से आप सब्जियों को मैश करिए। बड़ा सा जो स्पून होता है उसी के पीछे से आप सब्जियों को ऐसे कढ़ाई के साइड में मैश करते जाइए। जितना स्मूथ आपको भाजी चाहिए उतना ही मैश करते जाइए। ये देखिए ये बढ़िया से मैश हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो धनिया पत्ती हम काट के रखे थे, ये और एक स्पून हम जो पाव भाजी मसाला है और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे और देंगे पानी। जितना आपको कंसिस्टेंसी जितना चाहिए उतना पानी इसी टाइम पे हम दे देंगे। और आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसी टाइम पे थोड़ा सा लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। आप इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। लास्ट नॉट द लीस्ट सॉल्ट, सॉल्ट अपना स्वाद अनुसार। बस अब ये हो गया। अब इसे 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम हीट में इसे हम कुक करेंगे।
5-7 मिनट ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे हम गैस ऑफ कर रहे हैं और दे रहे हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1 क्यूब और बटर और 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नींबू का रस। अब इसे हम ढक के 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम देंगे। जब तक हमारा भाजी रेस्ट कर रहा है तब तक हमने पाव ले लिया, पाव को आधा करके काट लिए और पैन को गैस पे चलाया। इसमें हम देंगे थोड़ा सा बटर, बटर में हम देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और ब्रेड को हम इसी बटर में थोड़ा सा सेक लेंगे। ऐसे करके थोड़ा सा हमने हमारा ब्रेड पाव को सेक लेंगे, बस ये हो गया है। ये देखिए ये हमारा पाव, ये एक बोल में हमने भाजी ले ली और भाजी के ऊपर हम देंगे तो 1 टुकड़ा बटर, थोड़ा सा कटा हुआ ऑनियन, साइड में दे देंगे 1 नींबू और थोड़ी सी धनिया पत्ती। चाहे तो आप ऊपर से भी थोड़ी सी पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही साफ कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, घर पे जरूर बनाइए पाव भाजी।